हेलो। हेलो हाँ अभी बोलो। ओके मैम, रीजनिंग में एक पजल थी, स्क्वायर वाली, इनसाइड और आउटसाइड वाली थी, ओके और एक अनसर्टेन नंबर वाली पजल थी, सिटिंग अरेंजमेंट था अनसर्टेन ओके नंबर वाला, और एक थी सेवन मेंबर थे और नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए थे, और एक पजल थी मंथ वाली, उसमें 2 डेज दी हुई थी और 4 मंथ दिए हुए थे। यस ओके तो कुल मिला के 4 पजल्स आई हुई हैं, और मैम, स्क्वायर बेस्ड है, लीनियर बेस्ड है, अनसर्टेन है, और एक मंथ बेस्ड पजल है। 20 मार्क्स की टोटल। यस मैम, ओके और ओके 5 मार्क्स के सलॉग थे, और 5 नंबर का था एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके 30 हो गया टोटल। और यस मैम, और 3 नंबर का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ओके एंड 3 मार्क्स के थे क्वेश्चन, ये इनसे वो ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे, ओके और 2 क्वेश्चन थे वो मिसलिनियस वाले की, इस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अननोन था वो वर्ड, उसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइड में जाएंगे तो कितने वो काउंट करने वाला। मतलब वो जो वर्ड आया था वही अननोन वर्ड था। ओके हाँ, अननोन था वो वर्ड ओके मैम। इतना 40, ये क्वेश्चन जो थे रीजनिंग वाले सारे डूएबल थे, मतलब आराम से भी कोई अगर करेगा तो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड ओके मैथ्स में 2 DI थी, अच्छा एक आपका टेबल कितना स्कोर हुआ टोटल रीजनिंग में? मैम, रीजनिंग में मैंने 40 किए थे। यस दैट्स ग्रेट। तो सारा कुछ क्लासेस जो मेरी चल रही थी सब कुछ वैसा ही रहा? मैम, यस मैम, आपकी क्लासेस से बहुत हेल्प हुई, चलो पजल्स बढ़िया। वगैरह अरे सारी एक ही पॉसिबिलिटी में बन गई, इतनी सारी ग्रेट। प्रैक्टिस आपने कराई थी, ओके दैट्स ग्रेट। एंड मैम मैथ्स में एक टेबल वाला DI था और ओके एक ग्राफ वाली DI थी, 5 5 क्वेश्चन थे दोनों के, एंड ग्रेट। 5 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज के, एंड मोर देन 10 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, 10 to 15 क्वेश्चन। ओके अब की बार DI मतलब कम रहेंगे एज कम्पेयर टू PO। आई थिंक PO यस में मैम, 3 थी। यस मैम, DI ओके तो इसमें 2 ही थी। चलो अच्छी बात है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा थे तो वहाँ अच्छा स्कोर हो हाँ गया। ग्रेट। यस मैम, और इन इक्वेशंस के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, और ओके बाकी सारे जो हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस वाले, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले, और ओके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक क्वेश्चन था, एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, एज का एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन थे। यस ओके फाइन। तो कितना अटेम्प्ट हुआ क्वांट में? क्वांटम मैम मैंने 38 किए हैं। ओके ओवरऑल 78 अटेम्प्ट हुआ है। यस मैम, लेट्स ग्रेट। तो अभी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो, यस मैम, है ना? हाँ। और PO में कितना अटेम्प्ट था? PO में 63 था। ओके हाँ तो दोनों ही काफी अच्छा रहा है। तो अभी अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो ओवरऑल जो एग्जाम था वो बहुत इजी ही रहा है और डूएबल यस एग्जाम है कि मैम, 1 टाइम में बन सकता है अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी है तो। चलो बहुत बढ़िया, अभी स्टार्ट करो प्रिपरेशन। ठीक है चलो, थैंक यू फॉर द यस मैम, रिव्यू। ऐसे रिव्यू भी काफी अच्छे से पहुंच जाता है और अदर स्टूडेंट के पास में। ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या गुप्ता। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी एक रिव्यू सुना स्मृति का, जिन्होंने अभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो होप सो आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि आगे आने वाली जो शिफ्ट्स हैं वो किस तरीके से रहने वाली हैं, या जो ओवरऑल पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल ही रह रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से किसी भी एजुकेटर को फॉलो किया है, उनके क्लासेस को फॉलो किया है, आपने मेरी रीजनिंग के सारे जो मैं 3 PM और 7 PM मॉक लेती हूँ टाइमर वाले, उनको अच्छे से देखा है, तो आपकी काफी अच्छी वाली स्पीड जो है वो बन सकती है। ठीक है तो उनको ही बस फॉलो करो अच्छे से। मैं यही कहूंगी आगे जिनके भी पेपर हैं उन दोनों क्लासेस को फॉलो करो, मॉर्निंग 9 AM सीरीज को फॉलो करो, इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस मैं ले रही हूँ उनको फॉलो करो। ठीक है और आगे जाके जिनके भी शिफ्ट है मैं उनसे यही कहूंगी, यार दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, एक आपके अंदर कितना पेशेंस है तो अपना पेशेंस बना के रखना, और दूसरी चीज ये कि आप कितनी एक्यूरेसी और स्पीड के को मेंटेन करके रखे हो कि आप किस
स्पीड भी रहनी चाहिए और पेशेंस इसलिए जरूरी होता है यार, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है ना तो आप बहुत ज्यादा हबल चढ़ में एक आध क्वेश्चन भी अगर गलत कर देते हो तो वो दिक्कत होगी, क्योंकि आप समझते हो कि यहाँ पर 0.50 0.25 की भी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आप आराम से 70+ बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आप अच्छे से रीजनिंग लगाओ, अच्छे से स्टार्टिंग के रीजनिंग आपका 20-22 मिनट्स में पूरा हो सकता है, इतना अच्छे से पढ़ाया है, सारी पजल डुएबल आ रही है, सब कुछ पेपर डुएबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्वांट के मिसलिनियस में अगर आपका बहुत अच्छा ना प्रैक्टिस हो तो 2-4 क्वेश्चन रह जाए, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से अपना 100% देकर आओ, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और मेंस की क्लासेस शुरू हो गई है यार, सब लोग फॉलो करना शुरू करो। मैं आप लोग के लिए एफर्ट कर रही हूँ, तो थोड़े से एफर्ट आप तो लगाओ, जब भी तो फाइनल सिलेक्शन होगा। अब प्रीलिम्स हो चुका है, अब मेंस की तैयारी स्टार्ट करो काफी अच्छे से, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जिससे आगे आने वाले अपडेट्स मिले। सेकंड शिफ्ट की रिव्यू के साथ में मिलते हैं एक और स्टूडेंट के साथ में जिन्होंने अभी पेपर दिया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।